नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। और आपको बता दें कि जेपीएससी में रिजल्ट आने के साथ ही विवाद का दौर शुरू है और अब सैकड़ों की संख्या में सोशल मीडिया में रोल नंबर चलना शुरू हो चुका है। पहले 18 लोगों का नाम आया, इसके बाद अब तकरीबन 150 से 200 स्टूडेंट के रोल नंबर सीरीज में मिलना शुरू हो गया, यानी कि खेला से भी ऊपर महाखेला की संकेत मिल रहे हैं। कटअप ऊपर जाने का सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है। क्या मोबाइल से चोरी हुई है? क्या सेंटर में सेटिंग हुआ? क्या ये सेंटर में सेटिंग हुआ जेपीएससी के जानकारी में हुआ, बिना जानकारी में हुआ? प्रखंड स्तर पर जिस प्रकार से सेंटर बनाया गया था, उसे देखकर ये लगता है कि जेपीएससी में बहुत बड़ा गेम प्लान हुआ है। अब इस समय में हम तक सूचना आ रही है, सैकड़ों की संख्या में रोल नंबर रिलीज हो रहा है। हमारा मकसद किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के मेरिट पर शक करना भी नहीं है, लेकिन एक साथ सीरीज में रोल नंबर आने के बाद में अब लोगों के कान खड़े हो गए हैं। सरकार से सवाल जवाब आ रहा है। तमाम मीडिया चैनल ने आज दावा किया है कि इस पर गड़बड़ी हुई है और इस पर मुख्यमंत्री को, जेपीएससी को आकर के सफाई देना चाहिए आज कि क्यों ये गड़बड़ी दिख रही है। और अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कट ऑफ इतना बड़ा विशाल क्यों बनाया गया, क्या ये सेटिंग का खेला है और क्या ये खेला होबे के तर्ज पर उससे भी बड़ा महाखेला हो गया। और महाखेला में सिर्फ 18 स्टूडेंट ही नहीं बल्कि अब 150 से ऊपर स्टूडेंट के रोल नंबर आ चुके हैं। आप अंदाजा कर लीजिए, देर शाम तक हो सकता है कि 500-700 रोल नंबर आपको देखने को मिले। इस वक्त हमारे पास ही सैकड़ों की संख्या में रोल नंबर आ गए हैं, लेकिन हमारा इरादा किसी भी स्टूडेंट के मेरिट पर शक करना नहीं है, किसी भी स्टूडेंट की उसकी व्यक्तिगत निजता का हनन करना नहीं है, प्राइवेसी का हनन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया में लगातार ये चीजें चल रही है, तो ये खेला नहीं महाखेला हुआ है और इस पर जेपीएससी को रिवाइज आंसर जारी करना चाहिए, रिवाइज रिजल्ट जारी करना चाहिए। हमारा मानना है कि रिवाइज रिजल्ट को जारी करना चाहिए और रिवाइज रिजल्ट अगर जारी नहीं होगा तो स्टूडेंट बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और ये आपको बता दें कि जब रिजल्ट कल बहुत से सारे कैंसिल किया गया और उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए रात को रिजल्ट निकाला गया ताकि कोई स्टूडेंट जो है वो कैंसिल रिजल्ट के लिए जो एग्जाम की जो रिक्रूटमेंट थी जो कैंसिल हुआ था उस पर कोई आंदोलन नहीं कर पाए। और पूजा का समय चुना गया ताकि स्टूडेंट इकट्ठा नहीं हो पाए, ना ही आंदोलन करे और धीरे धीरे चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो ये जेपीएससी की बहुत बड़ी ये दिख रही है कि इसमें साजिश की नजर आ रही है और पूरी गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं। तो इस गड़बड़ी को दूर कैसे करें कि जेपीएससी उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अमिताभ चौधरी जी, आप कॉन्फ्रेंस कीजिए, एक बार फिर से कमरे में मीटिंग कीजिए। तमाम लोग जो डॉक्टर जमाल अहमद जी हैं, अनिमा हंसदा जी हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, मोनिंदर खान जी, आप तमाम लोग आज मीटिंग करें और मीटिंग करके ये बताएं। इस पर स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एक सीरीज में ये रोल नंबर क्या सारे मेरिटोरियस को एक सेंटर पर बैठाया गया था? क्या जितने भी 2,40,000 जो कैंडिडेट एपियर हुए परीक्षा के दिन, क्या उसमें से मेरिटोरियस कैंडिडेट को एक रूम में रखा गया था क्या? या फिर यहाँ पर प्रखंड स्तर में किसी ना किसी स्कूल में सेंटर में गड़बड़ी हुई है? हमें लगता है कि सेंटर में अब जरूरत है इस वक्त कि सेंटर में जांच किया जाए और जहां जहां से खबर आ रही है उन तमाम सेंटर पे जांच किया जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि 4,293 रिजल्ट देने के पहले इस सीरीज पर क्यों नहीं विचार किया गया होगा जेपीएससी में? क्या इसका कारण है? क्या जेपीएससी को पता नहीं चला होगा कि इतने विवाद हो सकते हैं रिजल्ट आने के बाद? तो इस समय बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर कि रोल नंबर लगातार से है, रेगुलर से है, सीरीज में है और ये बताता है कि स्टूडेंट जो है बहुत से मेरिटोरियस का या तो हक छीन लिया गया या वास्तव में ये सारे लोग तेज थे। अब देखना पड़ेगा जेपीएससी क्या स्टेप लेती है। हमारे साथ बने रहिएगा, शुक्रिया।